एसईओ ट्रेनिंग मास्टर क्लास है इस वीडियो के अंदर आपको स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं एसईओ का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। अगर आप लोग एसईओ करोगे तो एसईओ का इम्पोर्टेंट क्या है ये अगर आप लोग नहीं जानते हो तो आप लोग एसईओ करना आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे एसईओ का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एसईओ का जो मार्केट है वो हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए हम लोग एक वेबसाइट ओपन किए हैं। इस वेबसाइट का नाम है thebusinessresearchcompany.com, ठीक है। इस वेबसाइट का एक आर्टिकल मैंने ओपन किया है, ये 2023 का रिपोर्ट है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट। यहाँ पर इसको हम लोग ओपन किए हैं और यहाँ पर हम लोग ये जो लाइन है इसमें हम लोग देख सकते हैं द ग्लोबल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो मार्केट है इसका कितना मार्केट है ये हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रॉम 62.75 बिलियन इन 2002 में थे, ठीक है। 2002 में 62.7 बिलियन मार्केट थे, लेकिन 2023 में इसका मार्केट क्या हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 74.76 बिलियन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इतना मार्केट इसका जो ग्रोथ रेट है वो आप लोग देख सकते हो, इसका ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 20% है, ठीक है। 20% अगर आप लोग एसईओ सीखते हो अपने बिजनेस के लिए, अगर आप लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग एसईओ सीखना ज़रूरी है। लेकिन आप लोग बिजनेस खुद का स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सिंपल सा ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तब भी आपको एसईओ सीखना ज़रूरी है। लेकिन आप लोग ब्लॉग भी नहीं क्रिएट करोगे, बिजनेस भी नहीं करोगे तो आप लोग एसईओ क्यों सीखोगे। एसईओ सीखने के लिए आप लोग अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो एसईओ के रिलेटेड, तो एसईओ के रिलेटेड बहुत सारा काम आप लोग फ्रीलांसर मार्केट प्लेस के अंदर आपको मिलेगा। वो जो काम है वो आप लोग करके आप लोग आपका जो इनकम है उसको बूस्ट कर सकते हो, और आप लोग आपका जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर आपका जो बायर का काम है वो करके आप लोग बिलियन ऑफ डॉलर इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ से आप लोग ये जो काम है ये पाओगे, हम लोग यहाँ पर फाइबर के अंदर हम लोग आपको दिखा सकते हैं। फाइबर के अंदर बहुत सारा काम लोगों को मिलता है, तो मैंने अगर यहाँ पर फाइबर के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर एसईओ लिख कर अगर सर्च करते हैं, यहाँ पर एसईओ टॉपिक के अंदर कितना यहाँ पर लोगों ने गिग दे के रखा है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिग दे के रखा है लोगों ने काम करने के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये गिग है लोगों ने दिया है, आप लोग भी एसईओ सीखकर यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके लोगों का काम कर सकते हो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो यूज़र है इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आई विल हाई अथॉरिटी मैनुअल व्हाइट हेड डू फॉलो एसईओ बैगलिंग, ये सारा चीज करने के लिए ये कितना चार्ज कर रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, $30 चार्ज कर रहा है जस्ट बैगलिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है। डू फॉलो बैगलिंग, नो फॉलो बैगलिंग ये क्या है ये हम लोग आगे सीखेंगे इस एसईओ मास्टर क्लास ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं एसईओ का इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो एसईओ करके आप लोग बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो एसईओ सीखकर, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर गिग दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्राइस यहाँ पर सेट किया है और यहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर freelancer.com इस तरह का बहुत सारा मार्केट प्लेस आता है, फाइबर, फ्रीलांसर, गुरु, अपवर्क, इस तरह का बहुत सारा मार्केट प्लेस आता है। इसमें आप लोग एसईओ सीखकर काम अगर करते हो तो आप लोग ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा पैसा इनकम कर सकते हो, ठीक है। इस बार आते हैं आप लोग अगर बिजनेस क्रिएट करते हो, आपका खुद का ब्लॉग है, खुद का बिजनेस क्रिएट कर रहे हो तो आपको एसईओ सीखना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो है लेजर टारगेट के लिए, ठीक है। लेजर टारगेटेड ट्रैफिक आप लोगों को मिलेगा, यानी कि अगर हम लोग कोई भी टीवी चैनल के अंदर ऐड देते हैं, जैसे कि कोई भी टीवी चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा विज्ञापन आप लोग देखते हो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पर अगर वर्ल्ड कप आप लोग देखने लगोगे तो टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐड आता है, जैसे कि परफ्यूम का ऐड आता है, फेयर लवली का ऐड आता है, बहुत ज़्यादा ऐड आता है। लेकिन ये जो ऐड है ये आप लोग किनोगे कि नहीं किनोगे इसका कोई पता नहीं है। ये जो ऐड है ये चलाने के लिए जो ऐड कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पैसा टीवी चैनल को देता है, ठीक है। लेकिन इसमें कितने लोग वो जो फेयर लवली है वो किनेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि इसमें जो टीवी है वो गर्ल्स भी देखते हैं और बॉयज भी देख, बहुत ज़्यादा गर्ल्स जिसका एज ज़्यादा है वो ये जो फेयर लवली है ये वगैरह नहीं किनेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर एसईओ करोगे तो यहाँ पर आप लोग टारगेटेड
ट्रैफिक पाओगे। जैसे कि आपका एक कंपनी है, वेबसाइट की कंपनी है, उसमें आप लोग स्मार्ट वॉच सेल कर रहे हो और कोई भी यूजर को अगर स्मार्ट वॉच चाहिए तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले गूगल में सर्च करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया है स्मार्ट वॉच प्राइस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का और यहाँ पर अमेजोन का एक वेबसाइट आया है, ये दोनों वेबसाइट और यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट आया है। ये क्यों आया है, क्योंकि इसमें SEO किया गया है, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया है कि इसमें SEO किया गया है, ठीक है। तो हम लोग अगर अमेजोन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अमेजोन के अंदर देख सकते हो आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन और इसका जो प्राइस वगैरह है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ये बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। तो हम लोगों को अगर ये स्मार्टफोन चाहिए और स्मार्टफोन अगर अच्छा लगा तो हम लोग इसमें से किसी भी स्मार्टफोन को हम लोग हमारा जो बजट है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को ये चाहिए, हम लोग खुद ही इसको सर्च करके लाया है, लेकिन टीवी चैनल में जो विज्ञापन आता है उसमें हम लोगों को विज्ञापन नहीं दिखना है, वो फोर्सफुली हम लोगों को दिखाता है, ठीक है। और उसमें हम लोगों को फोर्सफुली दिखाता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा सेल नहीं होता है। लेकिन आप लोग अगर SEO करोगे, आपका एक बिजनेस कंपनी है उसमें अगर SEO करोगे तो हम लोग अगर सर्च करते हैं स्पेसिफिक रेट में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा रिजल्ट आया और यहाँ से हम लोग किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। इसलिए SEO इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोग लेजर टारगेटेड ट्रैफिक आपको मिलेगा, यहाँ पर लेजर टारगेटेड ट्रैफिक। और ये जो ट्रैफिक होगा इसका जो कॉन्वर्सेशन रेट है, इसका जो सेलिंग रेट है वो ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो तो हाई कॉन्वर्सेशन रेट हम लोग दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को लेजर ट्रैफिक मिलेगा और इसमें हाई कॉन्वर्सेशन रेट मिलेगा। हाई कॉन्वर्सेशन रेट क्या होता है, अगर आपके जो वेबसाइट है, आपका जो बिजनेस है, उसमें 100 ट्रैफिक आया है, ट्रैफिक यानी कि कस्टमर आया है, उसमें अगर 5 लोग परचेस करते हैं तो उसका जो कॉन्वर्सेशन रेट है वो 5 होगा, और उसमें अगर 20 लोग परचेस करते हैं तो उसका जो कॉन्वर्सेशन रेट है वो 20 होगा। लेकिन टीवी चैनल के अंदर जो भी हम लोग को विज्ञापन दिखाते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर का एड दिखाता है, लेकिन हम लोग बॉयस से उसमें हम लोग हमारा जो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वो जो ब्यूटी पार्लर का एड है वो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं और वो जो ब्यूटी पार्लर का प्रोडक्ट है वो हम लोग बाय भी नहीं करना चाहते। लेकिन हम लोग अगर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो हम लोग खुद ही गूगल में सर्च करते हैं इसका प्राइस क्या है, कहाँ से कौन सा प्राइस चल रहा है, उसमें हम लोग खुद ही यहाँ पर टारगेट करके स्मार्टफोन सर्च करके वो जो वेबसाइट है वो आया है और उसमें हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अगर SEO करेंगे तो उसका जो कॉन्वर्सेशन रेट है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इस बार सवाल आता है कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए SEO करेंगे, नहीं, प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ हमारा जो ब्रांड वैल्यू है, हमारा जो वेबसाइट है उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अमेजोन को यहाँ पर ओपन किया, इसका जो ब्रांड वैल्यू अमेजोन का वो इंक्रीज होगा क्योंकि ये पहला पेज में आया है, ठीक है। और भी ज़्यादा यहाँ पर आप लोग अगर देखते हो स्क्रॉल डाउन करके तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और भी वेबसाइट यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये वेबसाइट आया है और यहाँ पर ये भी वेबसाइट आया है और इसमें भी वेबसाइट आया है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया मैट इस तरह का वेबसाइट, बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पर आया है। इस वेबसाइट में भी SEO यहाँ पर ज़्यादा किया गया है, इसलिए ये वेबसाइट यहाँ पर आ रहा है। और इसका जो ब्रांड वैल्यू है, इसका जो डोमेन का वैल्यू है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास ब्लॉग वेबसाइट है तो भी आपका जो ब्रांड वैल्यू है, आपका जो डोमेन का, वो भी इंक्रीज होगा। जैसे कि ये जो हम लोग प्रोडक्ट सर्च किए हैं, लेकिन हम लोग कोई भी आर्टिकल यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल में अगर हम लोग सर्च करते हैं व्हाट इज SEO लिखकर, ओके, यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया व्हाट इज SEO, तो यहाँ पर हमारा जो सर्च रिजल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो सर्च इंजिन लैंड इस तरह का वेबसाइट है और यहाँ पर मॉस का जो वेबसाइट ये दिख रहा है। इस वेबसाइट का जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, साथ साथ हम लोग व्हाट इज SEO लिखकर सर्च किए हैं क्योंकि हम लोगों को जानना है SEO क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो वेबसाइट है इसको ओपन करके हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि SEO क्या है और इसमें ये जो वेबसाइट है इसका ट्रैफिक भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोगों को भी हमारे जो अगर ब्लॉग वेबसाइट है, अगर हम लोगों को बिजनेस प्रोडक्ट वेबसाइट है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, वो जो बिजनेस वेबसाइट है, वो ब्लॉग वेबसाइट है, वो हम लोगों को पहला पेज में लेकर आना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके और अगर हमारे पास ब्लॉग वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक जा सके
और उस ट्रैफिक से हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है SEO का इम्पोर्टेंट। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल यूनिक वेब स्कूल, इसको सब्सक्राइब करके रखिए SEO ट्रेनिंग मास्टर क्लास का फुल वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक्स।